तो इंस्टाग्राम मुझे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं डेली कि क्या हम इंस्टाग्राम से अर्न कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो कितना। तो गाइस इसका सीधा सा आंसर है यस, आप इंस्टाग्राम से एक डिसेंट अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं कि मेरी फर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन से पेमेंट आई थी वो कितनी थी और क्या क्राइटेरिया रहता है, वो सारा कुछ मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं विद प्रूफ। आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि मेरे को फर्स्ट पेमेंट कितनी मिली थी, कितने फॉलोअर्स में मिली थी। सो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, शॉर्ट रहेगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो गाइस मैं हूं कुशल कुमार और आप देख रहे हैं एनिमेटर के चैनल। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल 2D एनिमेटर हूँ। इस फील्ड में मेरे को 6 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और मैंने जो इंस्टाग्राम की जो है जर्नी एनिमेटर की जर्नी मई 2023 में स्टार्ट किया था और अभी नवंबर है, वी आर ऑलरेडी एट 220K फॉलोअर्स। तो गाइस बेसिकली जो मेरा फर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन था वो मेरे को अराउंड 15-20K फॉलोअर्स के बीच में मिला था। तो इंस्टाग्राम में अभी के लिए जो इकलौता सोर्स जो मैं मानता हूँ वो है ब्रांड कोलैबोरेशन। तो ब्रांड कोलैबोरेशन से एक जो इन्फ्लुएंसर है वो एक अच्छा अमाउंट अर्न करता है। तो इनिशियली मैंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, ऑडियंस की नीड क्या है, बहुत सारी फनी वीडियोज देखता था, अलग अलग मोटिवेशनल वीडियोज देखता था, कॉन्टेंट का इंस्पिरेशन ले सकूँ, एक सोर्स मुझे मिल जाएगी, हाँ कुछ मुझे ऐसा बनाना है। मुझे आज भी याद है जब मेरे अराउंड 140 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, तब मॉम और सन वाले की वीडियो बनाई थी और उसमें एक अच्छी खासी एंगेजमेंट रेट मेरे को देखने मिली, एक डिसेंट अमाउंट की उसमें मेरे को व्यूज और लाइक्स देखने मिले थे। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मैंने उस समय के स्क्रीनशॉट हैं। मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात थी कि अच्छे व्यूज जब आते हैं और अच्छे एंगेजमेंट शो करता है तो एक मोटिवेशन मिलती है कि और अच्छा कॉन्टेंट बनाए और नए कॉन्सेप्ट से चीजों को लेके आए। तो मई के बाद मैंने कई सारे वीडियोज बनाए जो कि कुछ चली कुछ नहीं चली, लेकिन मेरा एक था कि यार कोई इस चीज में बहुत इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली मैं 6 साल से इस फील्ड में हूँ, ऐसा नहीं कि यार व्यूज नहीं आ रहे तो मुझे नहीं करना है। मेरे को बस ये था कि कुछ अपना न्यू क्रिएटिव कुछ बनाना है, खुद के कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं। खुद के कॉन्सेप्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, सोचने में, स्क्रिप्टिंग में और कैरेक्टर डिजाइनिंग में। उनके साथ साथ में मैं जैसे अदर आर्टिस्ट के वॉइसेस लेता था या भी कोई ऐसी रैंडम वीडियो जो वायरल हो गई है और मैंने सोचा कि यार अगर मैं इसको एनिमेटेड वर्जन बनाऊँ इसका तो मुझे लगता है उसकी भी एक अपनी ऑडियंस है तो ये भी हिट कर सकती। तो ऐसे करके मैंने कई सारे हिट एंड ट्रायल अपने पेज पे मैंने बनाए, जैसे एक मोमेंट सन वाली वो वर्क करी, 10K व्यू सबसे पहले उसी में हुए थे। तो उसके बाद मेरे को ये था कि यार एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें सारा कुछ खुद का हो, खुद का कॉन्सेप्ट हो, खुद के कैरेक्टर्स हो। और फिर मैंने एक वीडियो बनाए अपने महादेव के ऊपर जिसमें एक कैरेक्टर को मैंने इंट्रोड्यूस किया, ऐसा डरा हुआ सा दिखाया मैंने और सडनली उसके पीछे फिर महादेव प्रकट हो जाते हैं, दुख तकलीफ वो दूर जाते। तो एक बेसिक सा मैंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया बेसिक, और मुझे बिल्कुल जीरो एक्सपेक्टेशन थी कि यार ये वायरल होगा भी, हिट भी होगा, मुझे कुछ उसका सोच के नहीं बनाया था। बस ये था कि खुद का कॉन्सेप्ट बनाना है, खुद का एक आर्ट बनाना है, लोगों तक पहुंचाना है, वही एक कोशिश थी। जैसे मैंने उसे बनाया और मैंने उसे अपलोड किया इंस्टाग्राम पे, फर्स्ट वीडियो ऐसी थी जो इतने अच्छे इसमें लाइक्स और व्यूज आ रहे थे, मैंने कई सारे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो वो टाइम था कि मेरे को एक मोटिवेशन मिला कि हाँ यार कुछ अब ऐसा ही बनाना है, खुद के कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो थी जो मेरी देखते देखते 1 लाख व्यूज इसमें हुए, फिर 2 लाख, 3 लाख और फिर देखते देखते 1 मिलियन, ये फर्स्ट वीडियो मेरी वायरल हुई और इसमें 1 मिलियन व्यूज आए। तो जैसे वो वीडियो वायरल हुई उसकी हेल्प से मेरे को और नई ऑडियंस मेरी बिल्ड हुई और फॉलोअर्स मेरे गेन हुए। तो मुझे याद है कि जब मेरे 15K फॉलोअर्स हुए थे तब मुझे उससे पहले भी मुझे काफी सारे ऐसे प्रमोशंस के लिए आते थे, बट वो वैसे थे कि यार आप लोगों को प्रमोशन कर लो। अब देखो यार मेहनत लगती है कोई वीडियो बनाने में, जैसे एनिमेशन में करता हूँ तो उस वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। बींग अ सीनियर आर्टिस्ट मैं उसे फिर भी जल्दी बना लूँ क्योंकि मुझे काफी सारे उसके शॉर्टकट्स पता है, मुझे पता है कि यार कैसे चीजें जल्दी बनती है। बट अगर उसी को अगर एक नया बिगिनर स्टार्ट करे तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके हिसाब से पेमेंट जो वो ऑफर कर रहे थे वो बहुत कम था, तो मैंने 15K तक कोई प्रमोशंस नहीं किए और 15K तक मेरे एक दो जो रील थे उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ अच्छे आ गए थे, क्योंकि जैसे 1 मिलियन मार्क हिट हुआ तो बाकी वीडियोज़ को भी लोग देखने लगे, तो बाकी वीडियोज़ में भी ऑटोमेटिकली व्यूज़ बढ़ने लगे। तो उस हिसाब से मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी ग्रो हो रही थी उस समय। तो 15K फॉलोअर्स में मेरे को फर्स्ट अपना प्रमोशन मिला जो कि एक टेलीग्राम पेज का था। अगर आपका कॉन्टेंट वायरल है और
और आपके कंटेंट को लोग देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो आपको जो ब्रांड्स हैं या फिर कोई भी बड़ा पेज है आपको खुद ब खुद रीच आउट करेगा और वहां से आप एक अपनी अर्निंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। ये डीएम आया और ये बहुत प्रोफेशनल डीएम था। इन्होंने अपना अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि यार कैसे हमें काम करना है, कैसी वीडियो चाहिए। जब प्राइस की बात आई तो देन हमने कॉल पे कनेक्ट किया, लंबा डिस्कशन चला। मैं भी नया था इस फील्ड में और मेरे को भी ऐसा था कि यार क्या प्राइस बोलना सही रहेगा। अपने दोस्त से बात करके और गूगल में कई सारे आर्टिकल्स पढ़ के रिसर्च करके मैंने एक अमाउंट उसको दिया। देन हमारी कॉल पे थोड़ी डिस्कशन हुआ, प्राइस नेगोशिएशन हुआ, तो काफ़ी सारे डिस्कशन के बाद एक अमाउंट हमने दोनों ने एग्री किया। और मेरे लिए भी था कि यार चलो ठीक है, फर्स्ट मेरा काम है, फर्स्ट कोलैबोरेशन है, तो मैंने कहा कि चलो लेट्स डू इट। और कितना प्राइस पे हमारा डन हुआ मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं। तो सबसे पहले मैंने उसका एक रफ, आप देख सकते हैं कि स्टोरी बोर्ड तैयार किया, जिसमें मैंने एक रफ स्केचेस बनाए, जिसमें मैंने ये दिखाया कि दो कैरेक्टर कैसे आपस में बात करके वो जो प्रोडक्ट उनका है उसको कैसे ऑडियंस तक दिखा रहे हैं। उसके बाद मैंने इसके डायलॉग्स लिखे सारे। वंस वो सारी चीजें कंप्लीट हुई, जो मेरा क्लाइंट था उसको मैंने कॉल किया और हमने कॉल पे अच्छे से डिस्कस करके वो सारे डायलॉग्स मैंने उसको बताए और हमने कॉल पे सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चेक किया। और मैंने उनको पहले बोल दिया कि देखो एनिमेशन से पहले आप ये सारी चीजें आप क्रॉस चेक कर लो, एक एक डायलॉग जो भी मैंने लिखा हुआ है आप उस पर आप फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि वंस वो अगर रिकॉर्ड हो गया देन उसके बाद उसमें चेंजेस करना टफ हो जाएगा। उस प्रोसेस में टाइम लगा और जैसे ही वो सारा काम हमारा लॉक हुआ, सारी चीजें हमारी फाइनलाइज हुई, जैसे सारे डायलॉग्स और स्टोरी बोर्ड फाइनलाइज हुआ, मैंने फटाफट से रिकॉर्डिंग करी। मेरे पास सेटअप है पूरा रिकॉर्डिंग का, मेरे पास एक मिनी स्टूडियो है, तो हमने वो सारी चीजें लॉक करी और उसके बाद हमने उस वीडियो को फाइनली अपलोड किया इंस्टाग्राम पे। एक पेज स्टार्ट किया जहाँ से आप मेरे को एक एक्स अमाउंट आ रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ऑब्वियसली यार अगर तुम कुछ काम करते हो और तुम्हारी बहुत मेहनत और टाइम जा रहा है उस पर, अगर तुम्हें उसका कुछ रिवॉर्ड मिलता है तुम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हो और अच्छा वर्क फिर लेके आते हो अपने ऑडियंस के लिए। मुझे आज भी याद है कि 15K में हमने उसको शुरू किया था, मेरे पेज की जो ग्रोथ इतनी फास्ट थी कि हमने जब तक वो वीडियो कंप्लीट किया 3 से 4 दिन में हमारे 15K से 20K फॉलोअर्स हो गए थे। और अब बारी आती है इसकी पेमेंट की। उससे पहले गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो गाइस प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे लेके आऊंगा। मेरा एक जो फ्रेंड है यूट्यूब पे चैनल ट्रू टेकी नाम है और मेरा वो कॉलेज फ्रेंड है, आप जा सकते हैं उनका चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उनसे मैंने डिस्कस किया और उन्होंने मुझे एक अमाउंट बताया, मैं नया था इस फील्ड में, ठीक है, तो मैंने माना और मैंने उनको 30K पिच किया था और जिसपे हमारी काफी सारी बात हुई और डिस्कशन हुआ और देन हमने उसको 30K से डन किया 15K में। तो यस गाइस पहली वीडियो मेरी जो मैंने इंस्टाग्राम पे कोलैब किया था उसका चार्ज मैंने लिया था 15K, जो कि मैंने 15K फॉलोअर्स से स्टार्ट किया था और मेरी ग्रोथ इतनी अच्छी थी कि पब्लिश होने तक वो 20K में हमने उसे पब्लिश किया था। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इट डजंट मैटर कि अगर आपके फॉलोअर्स बहुत कम है या फिर ज़्यादा है, अगर आपकी पेज का जो कंटेंट है वो उतने अच्छा एंगेजमेंट रेट नहीं है तो आप ऐसे फिर उसको जज नहीं कर सकती कि यार इसके 20K फॉलोवर्स है तो ये इतना अमाउंट चार्ज कर सकता है या फिर इसके 10K हैं या फिर 100K हैं तो इतना करता होगा। तो ये सारे डिपेंड करता है हमारे पेज के एंगेजमेंट रेट पे। अगर आप कोई भी पेज बना रहे हो, कोई भी नीश में आप पेज बना रहे हो अपना, तो कोशिश करो कि कंटेंट कम डालो लेकिन जब भी डालो उसको पूरी मेहनत से डालो, सारी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, सारा एक यूनिकनेस होनी चाहिए कंटेंट में आपके। आज भी आप मेरे पेज में जाओ, मेरे 2,20,000 फॉलोअर्स हो गए हैं और अगर आप भी देखोगे मेरे जो मेरी पोस्ट बहुत ज़्यादा कम है कंपैरेटिवली अदर क्रिएटर से, एक एक वीक में एक वीडियो निकालता हूँ बट मैं मेक श्योर करता हूँ कि कुछ नया हो। तो गाइज यही था आज की वीडियो में और जिसमें मैंने आपको बताया अपना एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस, क्योंकि कई सारे आप लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं मुझसे कि यार मैं कितना अर्न करता हूँ। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो और ऐसी वीडियो मैं और लेके आऊँगा आपके लिए जहाँ पे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और अभी तो बहुत आगे जाना है यार, 1 मिलियन टच करना है बहुत जल्दी, तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।